बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एजुकेटेड पाकिस्तान को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, अगर ये आपको फ़ायदा दे तो। ये IR के बेसिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग इसकी डीप थॉरली स्टडी कर सकें। ओके, तो बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक अ वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस इज़ नॉट बियॉन्ड ह्यूमन पावर टू अचीव। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एक वर्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, और जिसमें टियरनी ना हो, जिसमें वॉर ना हो, और जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा नहीं है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि इसको हम अचीव कर सकते हैं, और वो अचीव कैसे कर सकते हैं, वो आइडियलिज्म के ज़रिए से कर सकते हैं। ये जो आइडियलिस्ट अप्रोच है उसके ज़रिए से कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इस अप्रोच को जो स्पीयर हेड किया था, यानी दिस अप्रोच वाज स्पीयर हेडेड बाय वुड्रो विल्सन, इसको वुड्रो विल्सन ने इसको बनाया था और आगे मूव किया था इस अप्रोच को। किस अप्रोच को? आइडियलिज्म की अप्रोच को। तो जो वुड्रो विल्सन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और World War I के अंदर वुड्रो विल्सन जो हैं वो क्या करते हैं, वो अमेरिका को लीड करते हैं, और फिर बाद में वो आइडियलिज्म का एक फार्मूला देते हैं वर्ल्ड में पीस लाने के लिए। ठीक है, तो इस आइडियलिस्ट अप्रोच के मुताबिक जो ह्यूमन नेचर है वो एसेंशियली गुड है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बैड होते हैं या वो विक्ड होते हैं, जैसा कि बाकी जो अप्रोचेज हैं हमें दिखाई देती हैं, जैसे रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं। तो जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं इंसानी नेचर जो है वो अजल से ही गुड है, ऐसा नहीं है वो बैड है। फिर वो ये कहते हैं कि ह्यूमन वॉरफेयर और जो वेलफेयर है वो सबका ही कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट का। जैसे रियलिस्ट कहते हैं कि जो एक पीस है, हर स्टेट अपना अपना पीस परसू करती है, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करती है। वो कहते हैं जो आइडियलिस्ट हैं ये इससे अलग बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम में वॉरफेयर है या इंटरनेशनल सिस्टम में वेलफेयर है, इन दोनों का ताल्लुक हर एक नेशन से, वेलफेयर सबको बेनिफिट करेगा और वॉरफेयर सबको हार्म करेगा। फिर जो आइडियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि गुड एरा प्रोड्यूसेस, जो अच्छा इन्वायरमेंट है, और क्या होता है इन्वायरमेंट, जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड ह्यूमन बींग्स, अच्छे ह्यूमन बींग्स, और जो बैड इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, बैड इन्वायरमेंट क्या करेगा, वो बैड ह्यूमन बींग्स को पैदा करेगा, बैड ह्यूमन बींग्स को पैदा करेगा। ठीक है जी, और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि बाई रिफॉर्मिंग आवर ऑरा, हम अपना जो ऑरा है, हम अपना जो इन्वायरमेंट है, हम इसको रिफॉर्म करके, इस पर तब्दीलियाँ करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड ह्यूमन बींग्स को, अच्छे इंसानों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वो ये कहते हैं वॉर कैन बी एलिमिनेटेड। आइडियलिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं है जैसे रियलिस्ट कहते हैं कि जो वॉर है ये इनइलेक्टेबल है, यानी इनइविटेबल है, यानी इसको रोका नहीं जा सकता। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं जो रियलिस्ट हैं वो ये गलत कहते हैं। वॉर को एलिमिनेट किया जा सकता है बाय रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल रिलेशंस को रिफॉर्म करके। फिर लार्जली वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वो दो चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि वो पीस ला सकती हैं। उनमें से एक क्या है, उनमें से एक है आपका मोरालिटी। वो कहते हैं कि मोरालिटी से क्या होगा, आपका पीस आएगा। और दूसरा वो कहते हैं कि कोलेक्टिव सिक्योरिटी, कोलेक्टिव सिक्योरिटी यानी जैसे आपका सिक्योरिटी काउंसिल है कि अगर कोई क्या करे, अग्रेशन करे, तो सिक्योरिटी काउंसिल मूव करेगी। अगर किसी UN का ये चार्टर है, उसके 111 जो हैं वो उसके आर्टिकल्स हैं, उनमें लिखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि कोई भी पीस को थ्रेट होता वर्ल्ड में तो फिर वो क्या करती है, वो मूव करती है और फिर पीस को इम्प्लीमेंट करती है वॉर करके अग्रेसर के खिलाफ। तो आइडियलिस्ट का बिलीव है कि कोलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में क्या ला सकता है, पीस ला सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी,
उसके बाद आइडियलिस्ट एक और बात करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू एलिमिनेट वॉर, स्पीड अप डेवलपमेंट एंड रूट आउट टिरेनी। प्राइमरीली आपके जो लीग ऑफ नेशन है जो कि पेरेंट थी यूएन का, ये कैसे बनी? ये आइडियलिज्म की वजह से ही बनी थी। वुड्रो विल्सन ने इसका आइडिया दिया था और वुड्रो विल्सन ही आइडियलिज्म को प्रमोट करने वाले थे। तो फिर जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लीग ऑफ नेशन, इसमें हम फिर यही देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल और उसके साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेबर्स के वेलफेयर के लिए, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो पॉइंट्स दिए थे वुड्रो विल्सन ने, वो सिर्फ इसी जो थी यही सोच उसको प्रमोट किया गया था किसकी तरफ से, वुड्रो विल्सन की तरफ से। और आइडियलिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि अगर यूएन जैसा इदारा हो जैसे लीग ऑफ नेशन पहले बना बाद में यूएन, तो हम पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और साइंस की डिवेलपमेंट कर सकते हैं। उनके मुताबिक, आइडियलिस्ट के मुताबिक, नेशंस वांट पीस थ्रू प्रिंसिपल्स, यानी ये रियलिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिस्ट क्या कहते हैं कि जो नेशंस हैं वो पीस मांगती हैं, और किस चीज़ का पीस मांगती हैं? नेशंस पीस मांगती हैं थ्रू द पावर मैक्सिमाइजेशन। लिबरलिस्ट की आप बात करेंगे तो लिबरलिस्ट क्या कहते हैं? लिबरलिस्ट कहते हैं कि जनाब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ क्या होना चाहिए, आपका जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं प्रमोट पीस को, ठीक है जी। लेकिन ये जो इनका रियलिस्ट और लिबरलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, उससे बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आइडियलिस्ट का। वो कहते हैं कि नेशंस पीस ही चाहती हैं, इनहेरेंटली वो पीस चाहती हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करती, वो उनका मकसद पीस होता है थ्रू प्रिंसिपल्स के ज़रिए से। वो कहते हैं कि दुनिया में कन्फ्लिक्ट पावर की स्ट्रगल की वजह से नहीं है, जैसे रियलिस्ट कहते हैं कि पावर की स्ट्रगल होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है और जीरो सम गेम होता है, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। या लिबरलिस्ट कहते हैं, लिबरलिस्ट का भी यही मानना है कि जनाब क्या होता है, आपका जो है वो हर कंट्री जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन कोऑपरेशन के ज़रिए से उसको कम किया जा सकता है। लेकिन जो आइडियलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट इज़ बेस्ड ऑन इज़म्स, ये इज़म्स पे बुनियाद करता है, क्योंकि उस वक्त लार्जली जब वुड्रो विल्सन ने दी थी आइडियोलॉजी, तो उस वक्त 1970s के अंदर क्या आया था, कम्युनिज्म का रेवोल्यूशन आ गया था रशिया के अंदर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, फासिज्म, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, प्राइमरीली इसकी जो वॉर है वो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है कि कौन सा बेहतर है, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। यानी आइडियोलॉजिकल आप ये कह सकते हैं, वॉर जो है वो क्या करती है, इंटरनेशनल सिस्टम को पॉल्यूट करती है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है। उसके बाद सिक्योरिटी इज़ अचीव थ्रू लॉ, यानी वो कहते हैं दो तरह से सिक्योरिटी अचीव की जा सकती है, एक तो लॉ के ज़रिए से, इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट कैसे किया जाएगा, यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बना के, इंस्टीट्यूशंस बना के जिनके अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, ठीक है जी। और दूसरा मोरालिटी, यानी आपके जो लीडर्स हैं वो क्या हों फिर जी, वो लीडर्स क्या हों, मोरल हों। वो ऐसा ना हो कि जैसे रियलिस्ट कहते हैं कि जब आप किसी पॉलिटिकल सीट पे बैठे हों तो आपकी मोरालिटी जो है वो डिफरेंट होती है जब आप जो है वो किसी पॉलिटिकल ऑफिस में होते हैं। जैसे असद दुरानी साहब, उनका आप अल जज़ीरा का इंटरव्यू देख लें तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब जो जब आप किसी जगह पे होते हैं तो मोरालिटी अलग होती है। उन्होंने तो इंटरव्यू में ये कह दिया था कि जो एक रूलर होता है वो फिर क्या होता है, असद दुरानी ISI के फॉर्मर चीफ, वो ये कह रहे हैं कि रूलर जो होता है वो फिर मोरालिटी को नहीं मानता। लेकिन आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि मोरालिटी ही है, अगर सारे लीडर्स मोरालिटी को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, UN के थ्रू ये इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट होगा तो दुनिया में पीस हो सकता है, और इससे नेशन अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं, इससे नेशंस को कम खतरा होगा उनकी सिक्योरिटी को। फिर जो आइडियलिस्ट हैं ये रियलिस्ट्स और लिबरलिस्ट्स, लिबरलिस्ट और रियलिस्ट से मुख्तलिफ कैसे हैं? ये वो कहते हैं कि जो ये दोनों हैं, ये कहते हैं कि स्टेट अपनी सिक्योरिटी को, यानी स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी की बात करते हैं कि स्टेट अपनी सिक्योरिटी को परसू करते हैं। लेकिन जो आइडियलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि स्टेट की सिक्योरिटी को वो स्टडी नहीं करते, वो कहते हैं कि ओवरऑल इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होना चाहिए जनाब, ग्लोबल सिक्योरिटी
होनी चाहिए। और ये जो आइडियलिज्म था, ये फिर आइडियलिज्म का कंसेप्ट कोलैप्स कर गया। ये क्या हो गया? कोलैप्स कर गया। कोलैप्स क्यों किया जनाब? वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन बनी, लीग ऑफ नेशन जो है वो आपकी फेल हो जाती है। लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद जनाब क्या होता है? फासिज्म का राइज होता है। फासिज्म का राइज होने के बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद फिर टाइट बाइपोलैरिटी का दौर शुरू हो जाता है। टाइट बाइपोलैरिटी, और टाइट बाइपोलैरिटी जो कोल्ड वॉर के दौरान चली, उसके दौरान फिर दुनिया के अंदर रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को ज़्यादा हवा मिलती है। 90s में रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को फिर काम हो जाता है। फिर रियलिज्म और लिबरलिज्म का मिक्सचर अमेरिका फॉलो करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए अटैक करता है दुनिया पे। और दोबारा से क्या हो जाती है? लिबरलिस्ट अप्रोच जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? वो प्रमोट होना शुरू हो जाती है। तो ये होता रहता है। तो ये जो आइडियलिज्म है प्राइमरीली, इसको फिर इतनी जो है वो वैल्यू अब नहीं मिलती, क्योंकि ये फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। हाउएवर, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इस लिहाज से भी एनालाइज कर सकते हैं। आइडियलिस्ट सोच के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि मोरालिटी की लिहाज से किसी लीडर ने एक्ट किया या लीडर ने एक्ट नहीं किया जनाब। ओके जी, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें।